चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के एक ताजा बयान ने जैसे कि सोशल मीडिया पर तहलका ही मचा के रख दिया हो और सोशल मीडिया पर पवन सिंह के जम के तारीफ लोग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को अपने दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। बाबा राम रहीम के दो साध्वियों के साथ रेप के आरोप में 10-10 साल की अलग अलग सजा भुगतनी होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने बाबा राम रहीम पर 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस पर पवन सिंह ने कहा है कि ऐसे बाबा पर कार्रवाई करके सरकार के साथ साथ सीबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसे पापी बाबाओं से हमें बचकर रहना भी चाहिए। और साथ ही साथ पवन सिंह ने कहा है कि सबसे बड़ी सेवा हमें अपने माता पिता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इन बाबाओं के चक्कर में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीश सिंह ने रोहतक के पास सुनरिया की जेल के पुस्तकालय में बनाई गई विशेष अदालत में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बीते शुक्रवार को गुरमीत बाबा राम रहीम को 1999 में अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के दोषी करार दिया गया था। मामले में शिकायतकर्ता 2002 में एफआईआर दर्ज हुई थी। बचाव पक्ष के वकील ने जहां दुष्कर्मी के दोषी डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को सामाजिक कार्यकर्ता और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी यह मांग ठुकरा दी।